मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। मैं भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता का युवा प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था, हमने प्रदर्शन करने के बाद में जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कई सारी समस्याएं थीं। समस्याओं में सबसे प्रमुख समस्या ये है कि जो रामपुर काठगोदाम हाईवे बनाया गया है, उसमें जो मुआवजा बांटा गया है, उसमें हाईवे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और तहसील सदर के कर्मचारी, लेखपाल, कानून गो वगैरह, इन लोगों की मिली भगत करके बहुत बड़ा घोटाला किया गया। जिन किसानों की वास्तविक ज़मीनें गई हैं, बहुत पूरी पूरी ज़मीनें चली गई, खेती की बिल्कुल बेचारे भूमिहीन हो गए, उनको नाम मात्र का मुआवजा मिला है। कुछ लोगों को जिन्हें तहसील कर्मियों ने फर्जी तरीके से उनकी ज़मीन 143 करा के बहुत बड़े पैमाने पर मुआवजा दिया गया है, जिसकी जाँच के विषय में हमने कई बार तहसील सदर में प्रदर्शन करने के बाद में ज्ञापन दिया है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और IGRS पोर्टल पर भी हमने इसकी शिकायत की है। तो उस भूमाफिया से, उन भूमाफियाओं से ऐसे करके मिले हुए हैं ये लोग कि उनकी कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, जबकि ग्राम अहमदनगर पहाड़ी के रहने वाले हैं बेचारे अथर भाई हैं, और बहुत से लोग हैं जुटिया आपका ध्रुव नंगला, जिसकी भी ज़मीनें आई हैं उनको नाम मात्र के मुआवजे मिले, और जो लोगों की मिली भगत थी उनको कई कई करोड़ रुपये का मुआवजा वहाँ पर दिया गया है। और दूसरी समस्या ये जो हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या इस टाइम पे जो भारत सरकार किसान विरोधी अध्यादेश लेकर आई है, उसको रोज़ाना कोई ना कोई कृषि मंत्री किसी फर्जी संगठन को खड़ा करके अपने लोगों को भारतीय जनता पार्टी को किसान संगठन बना के, और वो उसका फ़ोटो खिंचवा के डाल रहे हैं फेसबुक पे या अखबार वगैरह में दे रहे हैं कि फला समर्थन ने कानून का समर्थन किया, जबकि कोई भी किसान संगठन कानून का समर्थन नहीं कर रहा है। और आप जो हो हालात ये पैदा करना चाह रहे हो देश में, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, पहले आके व्यापार को शुरू किया, पूरा छोटे व्यापार को ख़त्म कर दिया, और फिर उसके बाद में पूरी तरह से बाजार पे अपना कब्जा करने के बाद में किसान और उपभोक्ता दोनों को बर्बादी के कगार पे पहुंच गया और 200 साल लटका दिए गए देश की। वही हाल देश में फिर से करना चाह रहे हैं। अब हम जो जल्दी रिलायंस कंपनी, जो जियो कंपनी है, उसके जगह जगह कैंप लगवा कर उसकी सीमें पोर्ट कराएंगे और लोगों को, किसानों को प्रेरित करेंगे इस चीज़ के लिए कि आप लोग जो हैं पेट्रोल पंप पर भी रिलायंस के पेट्रोल को, रिलायंस का कोई भी उत्पाद ना खरीदें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान, जय किसान।